everything, I ain't nobody perfect. Time been in my mind. Everything, I'm everything, I ain't nobody perfect. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। गाइस, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग मीडिया। गाइस, बारिश नहीं आती है तो लोग कहते हैं अरे यार बारिश नहीं है, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, सब सूख रहा है, ये सूख रहा है, वो सूख रहा। और गाइस, जब बारिश होने लगती है तो लोग कहते हैं अरे यार इतनी बारिश की क्या जरूरत है यार, इतनी बारिश की जरूरत नहीं है, काश बंद हो जाए, ओ इतना क्या करना है यार। मतलब लोगों का क्या है, लोग तो दोनों तरफ बोल जाते हैं। और गाइज, हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था गाइज, मतलब काफी दिनों से बारिश नहीं थी और गाइज अब बारिश हो रही है तो कंटिन्यू नॉन स्टॉप, यानी कि समझ लो कि दो दिन से लगभग बारिश हो रही है कंटिन्यू वो भी। और हाँ, मतलब बीच बीच में रुकती है 10 मिनट 15 मिनट, बाकी कंटिन्यू काफी तेज बारिश हो रही है। तो गाइज, मैं भी घर पे ही था तो अभी मैं जाने वाला हूँ शॉप पे। तो गाइज, हमारे क्या है कि घर के पास में एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, देख सकते हैं आप, ये पीछे एक छोटा सा तालाब है। गाइज, हम जब छोटे थे तो यहाँ पर खेलने आते थे और यहाँ पर बनी हुई एक छोटी सी पाल है, ये देख सकते हैं आप। एक्चुअली गाइज, अभी क्या बारिश हो रही है तो मैं क्या है कि छाता लेके घूम रहा हूँ। और गाइज, ये जो आपको अभी पाल दिख रही है, इस पाल को अभी भी रिपेयरिंग किया गया है, क्योंकि गाइज पहले यहाँ बीच में से यह टूट गया था, क्योंकि ये तालाब जब फुल हुआ था एक बार यहाँ से ओवरफ्लो हो गया, तो इसमें क्या है, इस पाल में सीमेंट यूज नहीं की गई है, इसलिए गाइज ये टूट के यहाँ से चला गया। सो गाइज, अभी क्या हुआ कि वो जो 100 दिन गारंटी योजना वाला काम आता नरेगा वाला, उसके तहत इसको वापस रिपेयरिंग किया गया है। सो गाइज, हम यहाँ पर देखने आए थे कि कितना पानी आया है। और गाइज, यहाँ जहाँ जहाँ पर नई नई मिट्टी डाली, देख सकते हैं आप, इसके अंदर दरारें पड़ गई है, क्योंकि ये अभी नई मिट्टी डाली तो ये क्या है, बारिश की वजह से अंदर दब गई है, देख सकते हैं आप। और बाकी गाइज, ये देख सकते हैं बड़ा सा एक तालाब है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं पर ठीक ठाक है। और इसके अंदर काफी सारे बबूल के पेड़ हैं। और इधर है नीचे एक जाने का आम रास्ता, देख सकते हैं आप, ये है। गाइज, हम जब छोटे थे, मतलब हम 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, तब इस पाल के ऊपर हम साइकिलें दौड़ाते थे। और गाइज, यहाँ पर है ना, मतलब जितने भी गड्ढे हैं इसके अंदर जो खोद रखे वो सारे बारिश से लबालब हैं। और गाइस, अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि मुझे तैयार भी होना है और शॉप पे भी जाना है। गाइस, हम छोटे थे तो इस तालाब के आसपास खेलने आते थे, तो गाइस क्या हुआ कि हम 3-4 जने यहाँ पर आए थे और खेल खेल में हमारे गाँव का एक छोटा सा बच्चा था, वो अब तो बड़ा हो गया पर जब छोटा था वो तो इस तालाब के अंदर गिर गया था, पैदल पैदल अंदर गया और फिसल के अंदर चला गया। तो गाइज, मैंने अपनी जान के ऊपर खेल के उस बच्चे की जान बचाई थी। और गाइज, तब मेरे को तैरना भी नहीं आता था, फिर भी भगवान ने पता नहीं मेरे को भी सपोर्ट किया और मैंने उसको डूबते डूबते तालाब के अंदर कूद के उसको बाहर निकाला था। और गाइज, मैं भी मतलब डूब गया था एक बार तो, पर फिर भी मेरे हाथ में कोई तना वना आ गया था पेड़ का, जिसकी मदद से मैं आसानी से निकल गया। और गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। Cause I don't know.